जय जय हमारी और स्वागत है आज के एक नया ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत लगभग 7:45 के आसपास, और आज हरे बुधवार हम आ गए थे मार्केट, इसलिए बना थे आज हम अंडा सब्जी है अंडा सब्जी खेती प्रिपरेशन चला थे। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, हम तो एकदम कॉमन बात सबके बाद जानते हो, अंडा उबाले बार कुकर में डालते हैं, लगभग 3 सीटी पर ही फिर निकालना है ना, डूब जाती इसे उगा देती एती प्रिपरेशन चल। सबसे सरल तरीका बताओ अंडा उबाले के, मतलब अब गर्मी दिन में जब ज्यादा खराब होते हैं अंडा तो मैं नमक डाल दे, ना ज्यादा फूटे भी नहीं और ना ज्यादा मतलब वो नहीं है। प्याज है दो ठन बड़े बड़े दो प्याज है, और कम से कम 5 ठन 5-7 लगभग लहसुन करी है, अदरक है लगभग 20-30 ग्राम के आसपास, टमाटर है 2-3 ठन टमाटर है, धनिया है, पैसा नहीं दे रही हूँ। ठीक है, एकदम सिंपल स्वीट एंड सिंपल तरीका है। एक बार बताया तो प्याज है लगभग 2 ठन बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े प्याज है, धनिया है, टमाटर है, प्याज मस्त मीठा मीठा लगे, एकदम ज्यादा डाल दो ना एकदम ज्यादा मीठा लगे, मीडियम रहना चाहिए ना एकदम ज्यादा एकदम कम, ये हो गया इतना। एक प्रिपरेशन हो रहा है, एक बार देखा, और एक बात बता संभाली हो, अगर आप मतलब एकदम जल्दी जल्दी खाना बनाना है और काबर की टमाटर और प्याज लेना भूंजत बहुत टाइम लगती है, और तुम मतलब कम समय में ना जल्दी बनाना है खाना तो ऐसे भी कर सकते हो, जिस तेल डाल दो ना एकदम फोरन डाल दो, फोरन के बजाय ना थोड़ा से टमाटर लभी थोड़ा थोड़ा ना तल दो, और बाद प्याज लभी थर दो और मैं मिक्सी में पीस दो, तो बाद आसानी से ना ज़्यादा टाइम नहीं लगे, तो फिर तलना है पीस के। अच्छा से भूंजल पड़ते नहीं तो थोड़ा मीठा मीठा लगते नहीं, तो टमाटर खट्टा खट्टा लगता, तो वो तो कहा था जल्दी बनाना है तब के बाद बोला तुम्हें। ठीक, ग्रेवी बनाती अलग अलग टमाटर और प्याज मन अलग रखना नहीं से, लेकिन मैं यहाँ एक के साथ मिक्स कर दूँ, टमाटर है अदरक है धनिया जितना भी दिखाओ ना वो चीज असल मिक्सी में ग्राइंड करना है। ग्राइंड हो गए पूरा चटनी से, अंडा छिला आगे प्लस आलू भी दोनों उबाल एक साथ उबाल रहे दोनों का, छिल के अवेला करना है डीप फ्राई तलना है, मतलब लाल के बदले मतलब पूरा इतनी बार अंडा में डालो संभाली है तभी बार थोड़ा भूरा के होते तलना है, ब्राउन हुई है दे तो निकाल दे रहे मतलब आधा हिसाब से ज्यादा भी तल सकते कम भी तल सकते, एकदम ज्यादा भी तलना चाहिए ना हल्का मीडियम लाल रहना चाहिए, एकदम ज्यादा चेमर हो जाता है, चेमर मजा नहीं आया, हां चेमर हटाई हो जाते लगता कौन मजा नहीं है, हल्का हल्का रहता है तब अच्छा लगता है, मतलब अपन ठीक है, ये तो और तरीके लगते हैं छटकते हो पूरा तला के, और ये बची हुई तेल अब मैं डालथन तेजपत्ती की तरफ, तेजपत्ता करी लहसुन के घर वाले मेथी सूखा उठता है सूखा लेते नहीं सूखा तो नाम का अब डालना है ग्रेवी ला होता है ऑटोमेटिक तेज तेल गर्म से बुरा हो गया, ये सब मिक्स करेंगे तेज हम अलग अलग भी तैयार करते ग्रेवी ना, मतलब टमाटर ला कहीं भी उसके मसाला में लगा था लेकिन मैं एक साथ कर दी हूँ, मतलब मैं अलग अलग करके ला लेती हूँ, देसी भी बना लेती हूँ, अच्छा से भूनना है फिर लास्ट हम नमक मिर्ची मसाला डालना है, नमक भी डालना है, अरे नमक भी डालना है सॉरी शक्तिमान मोहन दिखाने का तब तो दिखाए मतलब आज तो ये काहे ये वाला बनाते हैं रेसिपी वाला तभी तो चाहे का देख कर ही देख के इधर भुंजा भी संगवारी हो ग्रेवी है, अभी मैं हल्दी मिर्चा और मसाला वसाला जो भी है ना मतलब जो डाल दो आप मन है मतलब मसाला सब्जी में मतलब मछली कुकरी जो भी नहीं वैसी मसाला डालूँ,
तो मेरी तो सोमवारी होते मसाला डाल रही हूँ, खड़ी मसाला, गरम मसाला, हल्दी, मिर्चा सब कुछ अब मिक्स करने लगा। चल भुंजा गए, भुंजा गई थी ऐसी बनाते हैं करे पर एकदम दिखते थे ये ना सब्जी लेते देख कलर डाला कलर तगड़ा एकदम दिखते की के बड़े कैसे लाल दिखते हमें ज्यादा मिर्ची नहीं डाला ना तो कलर नहीं आया जब हम मिर्ची डालते थे कलर काटे लाल लाल इसके वजह से लाल लाल का नहीं बताना अच्छा नहीं दिखते सब्जी ये पीला दिखा देगा मुझे ज्यादा लाल दिखा ये संगवारी हो ए में आलू ला लास्ट टाइम डाले हो काबर के आलू ला उबाल चुके रहे और पहले से डालते हो ना तब पूरा ना हो हां दाल बन जाती मतलब पूरा घुर जाती ना मिक्स हो जाती ओकर वजह से तभी थोड़ा थोड़ा दिखत हो दे थोड़ा घुसन ओकर बाद में पानी चढ़ा दो काम कर बन गई लास्ट में धनिया तो संगवारी हो आज की वीडियो आप मन ला कैसे लगी सी अभी सुबह के टाइम हो थे लगभग 6 बजे थे संगवारी हो और ब्लॉग के एंड करत हो का कल में हम ब्लॉग के एंड नहीं करते हूँ लाइट बंद होगी और बाद मन खाना खा हम फिर सो गए संगवारी हो बाबू सुलाना पड़ते ना मोला मैं जल्दी सो गई ओकर कारण ब्लॉग के इन नहीं करे हूँ तो आप मन ला कैसे लगी से रेसिपी है कमेंट करके बताओ और आप मन कैसे बनाते हो ओला बताओ संगवारी हो कमेंट में देकर हिसाब से मैं भी बना के देखूँ कबर की नया नया बना के देख भी ना तो अच्छा लगते कबर मोला ना खाना बनाना अच्छा लगते मोर खाना बनाना एको करना मतलब कई जन कंझट आते ना वैसे टाइप के नहीं लगे तो आप मन कमेंट करके बताओ बहनी जो भी बहनी दीदी मतलब मोर से बड़े हैं छोटे जो भी बनाते हो घर में किसी टाइप के बताते हो बताऊँ संगवारी हो तो अच्छा कमेंट करूँ तो नेक्स्ट व्लॉग और रेसिपी अच्छा वाला लानबो मतलब नया टाइप की तो आज की वीडियो नहीं रखते हैं मैं दुलार बनाए रखो जल्द मिलूँ नए वीडियो पे तब तक ले जाए जो हारे छत्तीसगढ़।